हेलो एवरीवन, दिस इज अकबर खान, इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रक्टर। वेलकम टू अहमद अब्दुल्ला गरीब प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एंगल ऑफ बाइसेक्ट एंड ट्राइसेक्ट सीखा था। आज का हमारा टॉपिक है ट्राइंगल डिफरेंट टाइप्स। आज हम लोग जो है ट्राइंगल के डिफरेंट टाइप्स के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले ये है कि ट्राइंगल एक्चुअली क्या होता है, उसका डेफिनेशन हम देखेंगे और ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेफिनेशन उसके टाइप्स भी हम लोग, डिफरेंट टाइप्स के ट्राइंगल भी हम लोग आज देखेंगे आज के सेशन में। तो सबसे पहले अगर हम लोग गाइस डेफिनेशन की बात करें तो ट्राइंगल का डेफिनेशन क्या है, ये कैसा है कि एक प्लेन आपका फिगर होता है विच इज बाउंडेड बाय थ्री साइड्स एज वेल एज थ्री एंगल्स। ये आपका थ्री साइड्स के कोई भी एक प्लेन फिगर आपका जो है बने बाय थ्री साइड्स एज वेल एज थ्री एंगल्स, तो उसको हम लोग बोलेंगे, इस शेप को हम लोग बोलेंगे ट्राइंगल। अब इसके इसके प्रॉपर्टीज क्या है, हमने उस चीज को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले इसका डेफिनेशन हमने देखा कि एक प्लेन फिगर जो तीन साइड्स पर मुश्तमिल हो या फिर तीन साइड और तीन एंगल पर, उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल। ठीक है, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ खासियतें हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि ये सिक्स एलिमेंट बेस्ड ड्राइंग है जो छह चीजों पर बना है, सिक्स थ्री साइड्स एज वेल एज थ्री एंगल्स। लाइक थ्री साइड्स आपका कौन सा होगा, ए बी वन साइड, उसी तरीके से आपका ए सी एंड अनदर वन इज बी सी। ये आपके थ्री साइड्स हो गए एज वेल एज थ्री एंगल। एंगल कौन से होंगे, एंगल ए, एंगल बी एज वेल एज एंगल सी। अब इसको हम जो है ट्राइंगल को ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट हम लोगों को थ्री एलिमेंट्स मालूम होने चाहिए। अब वो थ्री एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, या तो हमको जो है दो साइड एक एंगल, ये टू साइड्स है और ये वन एंगल, ये हमको मालूम होना चाहिए। अगर ये हमको मालूम है तो हम जो है ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेंगे, या फिर टू एंगल्स वन साइड्स, आपको दो एंगल और एक साइड आपको मालूम है तो आप ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपके बेसिक जो डेफिनेशन और ट्राइंगल के बारे में हम लोगों ने देखा। सो गाइस, हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में डिस्कस करने वाले। तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में आप देख रहे होंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एज वेल एज स्केलिन ट्राइंगल। ये तीन टाइप के ट्राइंगल जो हम जो डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स, उसके साइड्स में जो वेरिएशन या फिर चेंजेस के हिसाब से जो नाम है उनके, उस हिसाब से हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला है आपका जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल एक्चुअली होता क्या है, इक्विलेटरल मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, तब साइड्स एज वेल एज एंगल्स आर इक्वल। ट्राइंगल ए बी एंड सी एज वेल एंगल आर ऑल्सो सेम, तब 60 डिग्री ये है 60 डिग्री, तो इसके साइड्स एज वेल एज एंगल भी आपके सेम रहेंगे। मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, सेम आपके साइड्स ए बी बराबर रहेगा बी सी के और बी सी बराबर रहेगा ए सी के। तो ये इस तरीके से जो है आपका जो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल साइड्स एज वेल एज ऑल एंगल्स आर सेम। नेक्स्ट है आपका स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल में क्या होता है कि ऑल साइड्स आपके जो है डिफरेंट रहेंगे, अनइक्वल रहेंगे। मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी एंड बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, तो ऑल साइड्स आर डिफरेंस रहेंगे। मतलब अगर हम लोग इसको ड्रॉ करें तो ये इस तरीके से ऑल साइड्स इसके डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा स्केलिन ट्राइंगल। इसी तरीके से हम आइसोसेलेस ट्राइंगल का डिस्कशन करेंगे। इसका डेफिनेशन अगर हम देखें तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर क्या होता है कि टू साइड्स आर इक्वल, इसमें जो दो साइड्स रहेंगे ये साइड इक्वल रहेगी ये साइड, तो ये जो आपका बनेगा ये आपका रहेगा आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल रहेंगे आपके। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल। उसके बाद हम आते हैं स्केलिन से आइसोसेलेस ट्राइंगल के बाद हमारा है राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में एक्चुअली क्या होता है, जो आपका ट्राइंगल जो फॉर्म होगा उसमें जो एक एंगल आपका होगा
वो होगा 90 डिग्री। ये आप देख सकते हैं, दिस इज योर ट्राइंगल और ये जो एक एंगल है उसका 90 डिग्री का है। एज वेल एज आपको मालूम है जब ट्राइंगल आपका कंप्लीट होता है तो उसका जो इंटरनल एंगल होता है, ओवरऑल एंगल, सम ऑफ द एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 90 का अगर ये होता है तो रिमेनिंग या तो ये फिर हमारा 30 का हो जाएगा और ये आपका 60 का, ठीक है, ये आपका हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। दूसरा है उसके बाद फिफ्थ वन है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल, इसमें आपने एक्यूट एंगल में ये होगा कि आपका जो एंगल होगा वो लेस देन, उसमें से एक एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा। तो एक्यूट एंगल इसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जो उसमें एक एंगल जो आपका होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। फाइनल है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हम उसको बना लेते हैं यहां पर कि आपका जो एक एक जो एंगल आपका होगा वो विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब ये जो एंगल होगा या तो मे भी हो सकता है 120 डिग्री और रिमेनिंग आपका जो भी होगा 40 का और जो है वर, तो वर ये आपका जो हो जाएगा, दिस इज योर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। सो गाइस ये हमारा जो है आज का जो ट्राइंगल डिफरेंट टाइप से ये हमारा जो है कंप्लीट होता है यहाँ पर। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और फर्दर आपको इससे रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहे उसके लिए आप हमारे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।